पे दूध बॉईल करके रख दिया है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना लेमन हनी वाटर, तो इसे ले लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हाँ, इस मेस को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो मेस है ना वो तभी उठेगा जब ऊपर का फर्नीचर बनेगा और ये सब कुछ वहाँ पर जाएगा, क्योंकि अभी इसे रखने के लिए ही जगह नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर भी ये पूरा फुल है, यहाँ पर भी ये पूरा फुल है, पूरा ये भी फुल है, इसे रखने के लिए जगह ही नहीं है। अब इसे फोल्ड कर देती हूँ सारे कपड़ों को, मतलब सारे नहीं है, थोड़े थोड़े ही नहीं, सारे फोल्ड ही है, बट बच्चे निकाल देते ना उसमें से, तो इसी वजह से ये सारे ऐसे हो जाते हैं। अद्विक ज़्यादा ही परेशान करता है यार। यहाँ का जो भी मेस है वो मैंने निकाल दिया है, सारी क्लीनिंग तो हो गई, आज बहुत लेट हो रहा है नहाने में ये करने में। तो ये देखिए, ये अद्विक के जो ड्रेस है अभी यहाँ पर रख रही हूँ, लोअर यहाँ पे और टी शर्ट यहाँ पे, सारे मतलब जो डेली पहनता है उसे, तो एक दिन में वो 2 से 3 ड्रेस तो बदल ही लेता है अपने आप से, तो इसी वजह से ये पूरा उसका ही मेस रहता है यहाँ पर। कितना भी अच्छे से करके रखो उसका मेस हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखो, अभी ये इस बॉक्स में भर के रख रही हूँ इसके जो भी डेली वेयर के क्लॉथ्स है वो, और कबर्ड में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। उसका मैं दिखाऊंगी ना आपको, तो वो तो छोड़ ही दो। अभी ये सारे उसके टी शर्ट और लोअर जो है वो एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ, मतलब इसमें से ही मुझे निकालने में ईजी जाए, और बाकी का जो मेस है वो मैं उठा लूँगी। जब आप ड्यूटी जाओगे ना तो इसे डोनेट करने लेके जाना है, मतलब जहाँ पर वो बस स्टैंड के पास जो रहते हैं ना लोग, तो वहाँ पर उनको डोनेट करना है ये सारे कपड़े अद्विक के। ये कर देना बस, बस ये कर देना बस। हाँ 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 ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना मम्मा। अरे अरे जाओ, ये क्या है माही, ये क्या है माही, अरे जाओ जाओ। अरे चैन है उसको, वो उसको टाइट होता है, वो पहनता नहीं है कभी, आप देखो पहन के डाल दो सब डाल दो, जो नहीं चाहिए ना, जब नहीं पहनते ना तो वो फालतू में गलाठा करके फायदा नहीं है। नहीं नहीं तब से वही पहन रहा है। अरे वो अच्छा है बट उसको टाइट होते, आपको क्या हो रहा है इतना पसीने, बराबर है, आप अभी धूप में ही थे। बस 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 वो पूरा निकाल दो और सारा डोनेट कर दो।
है। ए बिल्लू, कैसा लग रहा है अभी फ्रेश होके? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। हैंडसम लग रहे हो आप तो। हाँ भी बोल रहे हैं। हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम खानचंद। सो गाइज, अभी मैं बनाने वाली हूँ खाना। उससे पहले थोड़ा सा किचन मेसी हो गया है। एक्चुअली इन्होंने बच्चों के लिए मैगी बना के दी थी, तो किचन थोड़ा सा मेसी हो गया है। वो क्लीन करती हूँ और उसके बाद अपना खाना बनाने लग जाती हूँ। उससे पहले ना कारपेंटर भैया को मुझे नींबू पानी बना के देना है, तो वो बना के देती हूँ। तो चलिए नींबू पानी बनाती हूँ और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। खाने में इतना कुछ खास नहीं है, देखो सिंपल सा दाल तड़का बनाया है और उसके बाद ये अद्विक ने खा लिया। चावल है और रोटियां हैं, बस यही है आज खाने में। थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बस अभी खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। आज ना मुझे करनी है यहाँ की क्लीनिंग सारी, मतलब मैं सोच रही हूँ कि वो ड्रेसिंग टेबल की भी क्लीनिंग कर दूँ, आज सब कुछ कर दूँ, तो वो करनी है। तो चलिए लग जाते हैं अपने कामों में। इतना कचरा निकला है इसमें से और ये यहाँ पर सेट भी हो गया है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि वो जो ड्रॉअर है वो किस लिए बना रही हूँ मैं, ऊपर वाले जो रूम के है, ऊपर वाले मेरे रूम के, तो वो इसी चीज़ों के लिए बना रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ें रखने के लिए जगह ही नहीं है अभी। सारी चीज़ें मतलब ड्रॉअर्स पूरे फुल है। मैं आपको दिखा दियो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ड्रॉअर पूरे फुल है। सॉरी, ये फुल है पूरे ड्रॉअर्स। ये सब अभी रखने के लिए जगह ही नहीं है। ये भी फुल है, ये भी मेस, मतलब मेस नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा करने से फ़ायदा भी नहीं है। ये सारे ड्रॉअर्स फुल है अब, तो वो सब रखने के लिए जगह नहीं है, तो इसी वजह से वो ड्रॉअर्स बनवा रही हूँ। और बॉक्सेस में है कुछ, तो वो भी रखने के लिए जगह नहीं है। तो अभी सब कुछ रखने के लिए जगह हो जाएगी, वो सब कुछ हो जाने के बाद जब मेरा रूम बन जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे मेस नहीं दिखेगा। तो ये देखो अभी कितना सारा मेस है। ये मैंने रोल लिया था अमेज़ॉन से, जो मैंने अभी वो ड्रॉवर्स में लगाया है। शिट, तो चलिए अभी जल्दी से कामों में लग जाती हूँ। ये सारा कुछ ख़त्म करना है और बस उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। Thank you.
देखो पूरा बेडरूम क्लीन हो गया है मेरा अभी, और यहाँ का जो मेस था वो भी उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा सामान है, बस इसे फेंकना है, और मतलब कुछ रैपर और ये सारी चीज़ें ही है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा क्लीन हो गया है। इतना तो है ही यार, मतलब अभी इसी में इतना टाइम चला गया, पूरा दिन मेरा इसी में चला गया, थकान सी हो गई है अब मुझे, वो पसीने की वजह से स्किन कैसी हो गया। और हाँ अभी बारिश हुई थी, और अभी के अभी आप देखो अभी के अभी धूप निकल आई है। चलो किचन में चलते हैं। आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला पापड़ की रेसिपी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मसाला पापड़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ज़रूर ट्राई करना वो रेसिपी जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, मतलब दो तरह से बताने वाली हूँ मैं, जो भी आपको सही लगे वो ट्राई करना। और मैंने किचन क्लीन कर दिया है, किचन आज क्लीन हुआ, मतलब किचन भी बहुत मेसी हो गया था, बहुत सारे बर्तन हो गए थे यहाँ पे, तो देखो बर्तन वगैरह क्लीन कर दिया, सब कुछ हो गया है। तो अभी मैं मसाला पापड़ की रेसिपी शेयर करती हूँ। अभी तक मैंने ये प्याज और टोमेटो चॉप करके रखा है, बस आपको इतना बारीक प्याज और इतना बारीक टोमेटो चॉप करके रखना है, मतलब चॉपर से भी आप कर सकते हो, मैंने तो चॉपर से ही किया है। तो अभी आपको चाहिए पापड़, एक मिनट। तवा गर्म हो जाने के बाद आपको पापड़ उस पर तवे पे सेकना है। पहली मेथड में आपको इसी तरह से तवे पे आपको पापड़ सेकना है, देखिए बस इसी तरह से आपको सेकना है ताकि ये प्लेन हो जाए, अगर आप भूनते हो ना तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और हमें चाहिए प्लेन। और अभी देखो अभी पापड़ भून चुका है, इसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से चिपक गया था, ठीक है। अभी ये होगी पहली मेथड। दूसरी मेथड में क्या करना है आपको, तवे पर ये रखना है, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल बस इसे स्प्रेड कर देना है आपको, बस इस तरह से स्प्रेड कर देना है। मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पापड़ है वो फ्राई किया हुआ लगेगा, मतलब जिस तरह से आप फ्राई किया हुआ मिलता है ना होटल में, उसी तरह से आपको ये पापड़ लगेगा, बस सेम उसी तरह से टेस्ट लगेगी इसकी। और इसे भी आपको इस तरह से बस सेक लेना है, हर तरफ से आपको इसे दबाना है, ठीक है। ये बन गया हमारा फ्राइड पापड़, और ये हमारा प्लेन। अगर आपको तेल डाल के नहीं करना है तो, अगर आपको तेल डाल के नहीं करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, अगर आपको तेल डाल के करना है तो आप ये वाला करो। तो इस पे क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है आपको लाल मिर्च पाउडर को, इस पे भी और इसी पे भी, और उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है ताकि इसकी जो टेस्ट है वो पूरे पापड़ में आ जाए, बस इस तरह से चाट मसाला डाल देना है आपको। उसके बाद आपको ऐड करना है प्याज, उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है टोमेटो, ऊपर से इसमें आपको ऐड करना है देखो ये बारीक सेव, नमकीन जो होता है ना बारीक वाला, वो ऐड कर देना है आपको इसके ऊपर, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देना है इसमें बस इस तरह से, और दिख रहा है ना होटल जैसा मसाला पापड़, ये देखिए एकदम होटल जैसा दिख रहा है मसाला पापड़,
तो इसकी रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको अभी टेस्ट करेगी माही। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है मम्मा। सच्ची? आप देखो। और ये अभी आपके लिए, टेस्ट करके देखो, फोकस नहीं कर रहा है, टेस्ट करके देखो कैसा बना है, जरूर बताना मुझे। मैं भी खा के देखती हूँ। बहुत ही बढ़िया। उस पर से नमक डाल देना, नमक डालना मैं भूल गई, थोड़ा सा नमक कम है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, माही को इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे नमक से फर्क पड़ता है। थोड़ा सा नमक डाल देना, क्योंकि चाट मसाले में भी था, बट हल्का सा नमक डाल देना। आपको अगर फर्क पड़ता है तो एक बार टेस्ट करके देखना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, जैसे हम होटल में खाते हैं ना, सेम उसी की तरह। कैसे लगी आपको मसाला पापड़ की रेसिपी, जरूर कमेंट करके बताना और जरूर ट्राई करना एक बार। और हाँ, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना हमेशा की तरह, और सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, लाइक करते नहीं हो यार, मुझे पता चल गया है, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था इंस्टा पे, तो पता चल गया है कि आप लाइक नहीं करते हो। मुझे ऐसे ही बोलते हो कि लाइक करते हैं, बट लाइक नहीं करते हो। तो हाँ, लाइक जरूर कर दिया करो, और फॉलो भी कर देना इंस्टा पे अगर नहीं किया है तो। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि आप फेक नेल्स क्यों लगाते हो डेली डेली, तो फेक नेल्स नहीं है डियर, ये रियल नेल्स है। देखो, रियल नेल्स है, नेल पॉलिश भी निकल गई है मेरी अभी, ये बीच वाली उंगली की, तो ये रियल नेल्स है। फेक नेल्स लगा ही नहीं सकती हूँ मैं, रियल नेल्स तो कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं क्या कर रही हूँ अपने हेयर के लिए, नेल्स के लिए क्या करती हूँ, तो बहुत बार शेयर किया हुआ है मैंने आपके साथ, तो इसी वजह से मेरे नेल्स नहीं टूटते हैं, मतलब बहुत कम टूटे हैं, नहीं टूटे ऐसा नहीं, नहीं तो बहुत लंबे लंबे हो जाते, बहुत कम टूटते हैं, पहले जैसे नहीं टूटते हैं। और बाल भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं, किसी ने मुझे कल के ब्लॉग में बोला भी कि दी आपके बाल बहुत लंबे हो गए हैं आजकल, तो इसी की वजह से हेयर केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉपर हेयर केयर करना चाहिए, और हेयर केयर करने से आपके हेयर तो अच्छे होते ही है, आपको टेंशन भी नहीं रहता है बाकी चीज़ों का। और किसी ने ना टैटू दिखाने के लिए बोला था, तो ये है मेरा टैटू। अब देखो, मेरे दो टैटू है, सॉरी तीन टैटू है, दो टैटू नहीं, दो टैटू तो मैंने पहले निकाले थे और तीसरा टैटू मैंने बाद में निकाला। तो ये है मेरा पहला टैटू, जो कि है इस तरह से, इस पे एक फेदर है, उसके बाद वो है, और उसके बाद वो है, बर्ड्स है। तो इसमें क्या लिखा है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, स्टे स्ट्रांग लिखा है इसमें, स्टे स्ट्रांग। इसीलिए मैंने वो ये टैटू निकाला है, क्योंकि आपके मतलब वुमन के लाइफ में, मतलब वुमन हो या मेन हो, कोई भी हो, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे आए हैं, उसको फेस करना पड़ता है, और उसे फेस करके आपको आगे जाना पड़ता है, आपको उसी टाइम रोते नहीं बैठना पड़ता। तो इसी वजह से ये मैंने लिखवाया है अपने हाथों पे, इसलिए मैंने ये टैटू निकाला है कि स्ट्रांग रहना चाहिए हमेशा, हिम्मत रखनी चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, इसको देख के मुझे हिम्मत आती है, तो इसी वजह से ये निकलवाया है मैंने हाथों पे टैटू अपने। और उसके बाद ये वाला टैटू है, ये बटरफ्लाई का टैटू है, हाफ बटरफ्लाई है यहाँ पे, तो ये है, और एक पैर पे है, तो वो पैर का कभी और दिखा दूंगी आपको इंटरेस्ट हो तो। आपने देखा भी होगा बहुत बार, बट इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट किया करो। आप कमेंट में जब क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मैं उसका आंसर जो है वो ब्लॉग में दिया करूंगी आपको, क्योंकि कमेंट में इतने सारे लोगों के आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट किया करो, मतलब कभी ना कभी तो आपके कमेंट का आंसर मिल ही जाएगा आपको। आप जो भी क्वेश्चन करते हो आपका आंसर मिल जाएगा उसका, मतलब कोई भी ब्लॉग में, जैसे जैसे मुझे याद आता है वैसे वैसे मैं कवर करती जाऊंगी सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किया करो, जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, आपके डाउट है जो भी, तो वो आप क्वेश्चन किया करो, मैं कवर करती जाऊंगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, अपना ध्यान रखना।